नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं शर्मा संजीव हूँ। हम मेरी राय को छत्तीसगढ़ से एक बार फिर से आज डिस्कस करेंगे कंपेरेटिव मेजरमेंट मटेरिया अमेरिका के अगले सेशन में फीवर के बारे में, फीवर की टाइमिंग्स के बारे में। कंपेरेटिव मेजरमेंट अमेरिका का ये जो सेशन है ये डिस्कस करने वाला है, क्योंकि हम कंपेरेटिव मेजरमेंट अमेरिका के सेशन में डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें किस तरह कंपैरिजन किया जाए। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, लॉन्ग सीरीज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट सीरीज को देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, उसके बाद लॉन्ग सीरीज में बात करेंगे। चलिए आज बात करते हैं फीवर पे, और हमने यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमारे निकाल के रखी हुई हैं, हम उस पर बात करते हैं फीवर और फीवर टाइप ऑफ फीवर और उसके टाइमिंग के। तो चलिए कुछ 6-7-8 पॉइंट में बात करूंगा। फीवर एट इंटरमिटेंट फीवर है 3 AM to 3 PM, मेडिसिन इज पूजा। फर्स्ट पॉइंट है फीवर एट इंटरमिटेंट फीवर 3 AM to 3 PM, सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूजा इज द मेडिसिन। फीवर इंटरमिटेंट फीवर एट 3 PM एपिस विथ थर्स्ट। फीवर जो मैंने पहले बताया 3 AM to 3 PM दैट इज थूजा। फीवर इंटरमिटेंट फीवर एट 3 PM दैट इज एपिस मेलिफिका, और एपिस मेलिफिका में फीवर जो होता है विथ थर्स्ट के साथ होता है, अदरवाइज एपिस इज थर्स्टी थर्स्टलेस, अदरवाइज एपिस इज थर्स्टलेस, लेकिन फीवर के समय एपिस मेलिफिका थर्स्टी होता है। फीवर फ्रॉम मिड डे टू मिड नाइट, मिड डे एंड मिड नाइट दैट इज आर्सेनिक, फीवर एट इंटरमिटेंट 3 AM to 3 PM, 3 AM भी मिड नाइट की बात का मतलब तीसरा पहर रात्रि का, तो 3 बजे सुबह से लेकर 3 बजे शाम के तक 3 AM to 3 PM पूजा। फीवर इंटरमिटेंट एट 3 PM शाम के दोपहर 3 बजे एपिस मेलिफिका विथ थर्स्ट। फीवर एग्रवेशन मिड डे एंड मिड नाइट, मिड डे एंड मिड नाइट इट इज आर्सेनिक एल्बम। देन अब आते हैं सुबह 7 बजे, सुबह 7 फीवर 7 AM विथ लॉक्वासिटी ड्यूरिंग चिल एंड हीट स्टेज, ठंडी और गर्मी के स्टेज के बीच में बहुत ज्यादा लॉक्वासिटी होता है, बहुत ज्यादा बात करता है पेशेंट, इट इज ओडोफाइलम फीवर एट 7 AM। उसके बाद आते हैं फीवर एट 9 AM, फीवर एट 9 AM वन डे एंड एट नून ऑन नेक्स्ट डे, एक दिन सुबह 9 बजे फीवर आता है और अगले दिन आफ्टरनून पे आता है एट नून, यानी 12 बजे आता है नून डे, तो एट नून ऑन नेक्स्ट डे फीवर ऑन 9 AM वन डे एंड एट नून ऑन द नेक्स्ट डे द मेडिसिन इज यूपेटोरियम परफोरेटम। अगली बात पे आते हैं फीवर इंटरमिटेंट एट 10 to 11 AM दैट इज नेट्रम्यूर। वैसे ही फीवर एट 11 AM एंड 11 PM कैक्टस जी, बहुत कंफ्यूजन है थोड़ा समझना। उसके बाद फीवर एट 7 AM मतलब सुबह 7 बजे विथ लॉक्वासिटी ड्यूरिंग चिल एंड हीट स्टेज दैट इज पोडोफाइलम, और फीवर रिटर्न्स एनुअली, साल में हर बार आता ही है कार्बोवेज आर्सेनिक सल्फर लैकेसिस थूजा, कार्बोवेज आर्सेनिक लैकेसिस सल्फर थूजा, कार्बोवेज आर्सेनिक लैकेसिस सल्फर और थूजा, ये 5 मेडिसिन है जिसमें एनुअली चीजें आ रही है और स्पेशली फीवर। और फीवर ऑन एवरी 7 or 14 days दैट इज चाइना, जो कि मलेरिया फीवर होता है। तो चीजें समझिएगा। एक और है फीवर रिटर्न्स ऑफ प्रीसियसली सेम, और जैसा पिछले घंटे में आया था उसी इस घंटे में अभी फिर से आया, इट इज सिड्रॉन एंड इग्नेसिया, मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम जो रहता है एग्जैक्ट उसी घंटे में, कल आया था आज भी उसी घंटे में आया। तो इस बातों को समझना बहुत जरूरी है फीवर और फीवर की जो मेडिसिन हैं। एक बार हम यदि फिर से रिपीट करें तो हमने देखा हमने सुबह 3 बजे से स्टार्ट किया फीवर फ्रॉम 3 AM to 3 PM दैट इज थूजा, 3 AM to 3 PM दैट इज थूजा। फीवर इंटरमिटेंट ही है एट 3 PM दैट इज एपिस मेलिफिका बट विथ थर्स्ट। फीवर फ्रॉम मिड डे टू मिड नाइट मतलब दिन में चालू होता है और रात तक जाता है, दिन में चालू होता है और रात में भी चालू होता है, तो मिड डे में होता है और मिड नाइट में होता है, मिड डे एंड मिड नाइट, मिड डे टू मिड नाइट नहीं, मिड डे एंड मिड नाइट दैट इज आर्सेनिक एल्बम। नेक्स्ट उसके बाद हमने बात की फीवर एट 7 AM मतलब सुबह 7 बजे विथ लॉक्वासिटी
ड्यूरिंग चिल एंड हीट स्टेट देयर इज पोडोफाइलम। उसके बाद 9 बजे पे आते हैं फीवर एट 9 AM वन डे एंड एट नून ऑन नेक्स्ट डे यूपेटोरियम दैट। उसके बाद आए फीवर रिटर्न्स ऑफ प्रीवियसली सेम आर एक उसी सेम घंटे पे आया है तो सेट्रॉन एंड एग्नेसिया। फीवर ऑन एवरी 7 एंड 14 डेज चाइना। फीवर रिटर्न्स एनुअली कार्बोवेज आर्सेनिक सल्फर लैकेसिस एंड पूजा। फीवर एट 7 AM विथ लोकेसिटी ड्यूरिंग चिल एंड हीट स्टेट दैट इज पोडोफाइलम एंड फीवर एट 10 to 11 AM 10 से 11 बजे नेट्रम्यूर और फीवर एट 11 AM एंड 11 PM कैक्टस सी। फीवर इंटरमीडिएट 10 to 11 AM 10 से 11 बजे के आसपास सुबह रहता है, ज्यादातर फीवर नेट्रम्यूर का है लेकिन सुबह 11 बजे एंड रात में 11 बजे 11 बजे से 11 बजे रात के 11 बजे तक नहीं 11 AM एंड 11 PM ने टू नहीं लिखा है 11 AM एंड 11 PM दैट इज करेक्ट जी 11 AM टू 11 PM में लिखा है 11 AM एंड 11 PM दैट इज करेक्ट। तो इतनी मेडिसिन आपके लिए है, आपको जैसे बताई गई कि 7 से 14 दिन में बुखार आ रहा है तो चाइना सुबह 9 बजे के आता है एक दिन और उसी दिन फिर दोपहर में आ रहा है मतलब एकदम 12 बजे के आसपास यूपेटोरियम साल में एक मतलब सेम आर में आ रहा है। कल इतने बजे आया तो आज भी इतने बजे सीट्रॉन एंड इग्नेसिया और रिटर्न होता है एनुअली तो कार्बोवेज आर्सेनिक सल्फर लैकेसिस और पूजा और उसके बाद 7 बजे आता है सुबह और फिर चिल और हीट स्टेट के साथ आता है और बहुत ज़्यादा लोकोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा बात करता है पेशेंट को पोडोफाइलम और 10 से 11 बजे के आसपास यदि आ रहा है तो 10 to 11 AM में नेट्रम्यूर इज द मेडिसिन एंड 11 AM और 11 PM तो कैक्टस जी। फीवर यदि सुबह 3 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक जाता है दोपहर के 3 बजे तो दूजा फीवर इंटरमिटेंट 3 PM स्पेशली शाम को दोपहर 3 बजे के आसपास एपिस जिसमें विथ थर्स्ट होता है पेशेंट और फीवर एट एग्रवेशन एट मिड डे एंड मिड नाइट या तो मिड डे में होगा दोपहर में एकदम और या एकदम मिड नाइट में होगा लेट आज में। तो ये कंपैरिजन है, बहुत स्पेशल कंपैरिजन था, आशा है आपको पसंद आएगा। वीडियो बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को जो अपने कलीग्स हैं दोस्तों को उनको जरूर भेजें और स्टडी का मजा लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।